हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ सम एंड एनी आज हम सम एंड एनी की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे आपने उनमें सम या फिर एनी को यूज करना होगा तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक इन द ऐसे तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस है और रूल ये होता है कि सम को हम पॉजिटिव सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं और एनी को हम नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा एनी ही डिड नाट मेक एनी मिस्टेक इन द ऐसे उसने ऐसे में कोई भी मिस्टेक नहीं करी थी तो चलिए अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सम और एनी को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं आई वुड लाइक टू हैव डैश कॉफ़ी तो ये देखिए एक पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए आपने यहाँ पर क्या लिखना है सम आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी मैं थोड़ी सी कॉफ़ी लेना चाहूँगा या लेना चाहूँगी ओके इस सेंटेंस का मीनिंग ये है तो अभी हम देखेंगे कुछ और सेंटेंसेस जिससे कि आपको पता चलेगा कि सम और एनी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं देर इज़ डैश गुड न्यूज़ फ़ॉर यू देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे सम देर इज़ सम गुड न्यूज़ फ़ॉर यू आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है और सम हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है ओके पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने हमेशा सम को यूज़ करना होता है यानी आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो चलिए अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस शी have dash मनी इन हर पर्स Doesn't जो होता है वो होता है does not की शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कंट्रैक्शन भी बोलते हैं ओके okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने यहाँ पर क्या यूज़ करना है एनी शी डेंट हैव एनी मनी इन हर पर्स उसके पास उसके पर्स में बिल्कुल भी मनी नहीं है ओके okay, उसके पास ज़रा सी भी मनी नहीं है उसके पर्स में आर देयर डैश लेटर्स फॉर मी देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर आप सम या एनी कोई भी आंसर लिख सकते हो आर देर एनी लेटर्स फॉर मी अगर आप कहोगे तो इसका मीनिंग है कि आपको लगता है कि आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा और अगर आप बोलते हो आर देर सम लेटर्स फॉर मी इसका मीनिंग है कि आपको लगता है कि कुछ लेटर्स आई हैं आपके लिए ओके okay, तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं अगर आपको रिस्पांस पॉजिटिव चाहिए तो आप सम लिखोगे अगर आपको लगता है कि नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा तब आपने वहाँ पर एनी लिखना है आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि सम और एनी को हम क्वेश्चन में किस तरह से यूज़ करते हैं जब भी पॉजिटिव रिस्पांस आपको लगता है मिलेगा तब आपने सम यूज़ करना है और एनी को आपने नेगेटिव रिस्पांस के लिए यूज़ करना है तो अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस देर इज़ हार्डली डैश राइस इन द हाउस हार्डली का मीनिंग होता है ना के बराबर ओके okay? तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस ही है तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है नेगेटिव सेंटेंस में हमने हमेशा एनी को यूज़ करना होता है ओके okay? तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि घर में बिल्कुल ना के बराबर राइस है ठीक है देर इज़ हार्डली एनी राइस इन हाउस तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स ऑल्सो थैंक यू